दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे आरसीबी वर्सेस कोलकाता के बीच में आईपीएल का नवा मैच खेला जाएगा, उसकी ड्रीम इलेवन टीम क्या रहेगी। तो वीडियो पे आप बने रहें, वीडियो में फुल प्रेडिक्शन आपको मिलने वाली है, प्लस यहाँ पे स्टेट्स भी मिलने वाले हैं, प्लस यहाँ पे जीएल की दो टीम आपको देने वाला हूँ, प्लस वीडियो देख के आप खुद की टीम क्रिएट कर सकते हैं, प्लस हमारी टीम से भी खेल सकते हैं। इस वीडियो में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बताने वाला हूँ, प्लस यहाँ पे आपको टॉप बैट्समैन टॉप बॉलर्स बताने वाला हूँ, प्लेयर परफॉर्मेंस बताने वाला हूँ, कौन से प्लेयर परफॉर्मिंग करने वाले हैं, प्लस यहाँ पे आपको पिच रिपोर्ट फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगी। मैच स्टार्ट टाइम में 7:30 बजे शाम को खेला जाएगा। वेन्यू है ईडन गार्डन कोलकाता। ईडन गार्डन कोलकाता का स्टेडियम है, कोलकाता के होम ग्राउंड पे मैच होने वाला है। यहाँ पे आईपीएल के जितने भी मैच हुए हैं यहाँ पे नीचे स्टेट्स आप देख सकते हैं, टोटल मैच 77 हुए हैं। फर्स्ट इनिंग की जो टीम है यहाँ पे 31 बार यहाँ पे विन की है, प्लस सेकेंड इनिंग की जो टीम है यहाँ पे 45 बार विन की है। अब बात करते हैं स्ट्राइक रेट, प्लस यहाँ पे कितने रन बनते हैं। तो स्ट्राइक रेट 135 के आसपास रहता है दोनों इनिंग्स में, और यहाँ पे 100 से लेके 150 के बीच में यहाँ पे 52 बार यहाँ पे रन बने हैं, प्लस यहाँ पे 150 से लेके 200 के बीच में 85 बार रन बने हैं, प्लस यहाँ पे 200 से लेके 250 के बीच में यहाँ पे 8 बार रन बने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे है एवरेज, मतलब यहाँ बैटिंग फ्रेंडली है। यहाँ पे 150 से लेके यहाँ पे 200 के बीच में ही रन बनेंगे, तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है। और यहाँ पे विकेट देख लेते हैं, विकेट कितने गिरते हैं। तो यहाँ पे विकेट 3 से लेके 4 विकेट यहाँ पे 33 बार गिरे हैं, और यहाँ पे 5 से लेके 7 विकेट यहाँ पे 65 बार गिरे हैं, 8 से लेके 9 विकेट यहाँ पे 28 बार, और 10 विकेट यहाँ पे 11 बार यहाँ पे एवरेज विकेट गिरेंगे, प्लस यहाँ पे रन ज़्यादा बनेंगे। तो उस हिसाब से हम टीम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको पिच का स्कोर कार्ड पता चल गया, प्लस स्टेट्स यहाँ पे आपके आईपीएल के पता चल गए कि आईपीएल के कैसे मैच यहाँ पे होते हैं, कितने रन बनते हैं, कितने विकेट गिरते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो पिच जो है यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली हम इसको मान के चलते हैं, और यहाँ पे पेसर्स को विकेट मिलने वाला है। यहाँ पे T20 मैचेस के स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में एक सीरीज हुई है, उसके स्कोर कार्ड यहाँ पे है आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में भी हाई स्कोर बन रहे हैं, सेकेंड इनिंग में भी हाई स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज विकेट गिरेंगे, मतलब बैलेंस 7-8 विकेट तो जरूर गिरेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम टीम क्रिएट करेंगे। उसके बाद पिच रिपोर्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बैटिंग फ्रेंडली है, और यहाँ पे 170 प्लस माइनस यहाँ पे 150 को ऊपर ही रन बनेंगे, ठीक है। और पेसर्स को विकेट मिलने वाला है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं फ्री में बिल्कुल। यहाँ पे आपको टेलीग्राम में जाना है, @fantasycup सर्च करना है, और यूजर नेम आपको ब्लू कलर का दिखना चाहिए, सेम रहना चाहिए। @fantasycup 270 के ऊपर यहाँ पे सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे, उसको ही आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी किसी फेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। प्लस यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। टेलीग्राम को जाके सब्सक्राइब कर लें और हमारे टीम से खेलना स्टार्ट कर दें। प्लस वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपको समझ में आने वाला है। प्लस यहाँ पे आप अपनी टीम खुद की बना के विनिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे लास्ट रिजल्ट की। लास्ट रिजल्ट एक एक मैच दोनों टीम खेली है, KKR ने एक लॉस किया है और RCB ने एक मैच विन किया है। एच टू एच की बात करें, हेड टू हेड की, तो यहाँ पे RCB ने 14 विन किया है, KKR ने यहाँ पे 16 विन किया है। दोनों बराबर हैं, यहाँ पे बराबरी की टीम है, बट यहाँ पे जो है इस IPL में RCB थोड़ा सा मजबूत दिख रही है, स्ट्रांग दिख रही है। अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की यहाँ पे प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं। विराट कोहली, अब्दू प्लेसिस ओपनिंग करने आएंगे, कार्तिक तीसरे नंबर पर, मैक्सवेल आएंगे चौथे नंबर पर, ब्रेसवेल हैं, एस अहमद है, के शर्मा, एच पटेल, ए डीप, आर टोपले, एम सिराज, ये टोटल प्लेइंग 11 है RCB के। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर के प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे एम सिंह, आर गुरबाज ओपनिंग करते हुए आएंगे, ए रॉय है यहाँ पे, वी अय्यर यहाँ पे 4 नंबर पे आएंगे, एन राणा है, आर सिंह है, रसेल ठाकुर, नरेन, टी साउथी, यू यादव, वी चक्रवर्ती, ये टोटल प्लेइंग 11 कोलकाता नाइट राइडर्स की है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टॉप बैट्समैन की। टॉप बैट्समैन कौन है? टॉप बैट्समैन में यहाँ पे विराट कोहली, एफ डू प्लेसिस, एफ फलेन, डी कार्तिक, एम सिंह, ए रॉय, आर गुरबाज, वी अय्यर, ये टोटल जो है टॉप बैट्समैन है दोनों टीमों के। उसके बाद टॉप बॉलर्स की बात करें, टॉप बॉलर्स यहाँ पे देख लें, ठाकुर हैं, साउथी हैं, यू यादव, एस नरीन, एम सिराज, एच पटेल, आर टोपले, ये टोटल जो है यहाँ पे टॉप बॉलर्स हैं दोनों टीमों के मिला के मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पूरे IPL में जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है ऐसे बैट्समैन हैं, ऐसे बॉलर्स यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं प्लेयर परफॉर्मेंस की, कौन सा प्लेयर परफॉर्मिंग करने वाला है इस मैच में। तो यहाँ पे प्लेयर परफॉर्मेंस में देख लें, यम सिंह है, मनदीप सिंह, आर गुरबाज, टी साउथी, एच ठाकुर, यू यादव, एफ डू प्लेसिस, जी मैक्सवेल, एच पटेल, एम सिराज, वी कोहली,
ये जो प्लेयर हैं यहाँ पे परफॉर्मिंग करने वाले हैं इस मैच में, इनको अपनी टीम में आपको रखना ही रखना है, खासकर GL में प्लस SL में दोनों में रख सकते हैं और दोनों में इनको रोटेट करके कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो रहेंगे इनमें से ज़्यादा प्लेयर DT में रहने वाले हैं, मतलब ड्रीम इलेवन टीम में आपके रहने वाले हैं, तो इनको ही आप ज़्यादातर अपनी टीम में रखें। और इनमें से CVC में आपको बताने वाला हूँ कि कौन प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। इन प्लेयर को आपको अपनी टीम में रखना अनिवार्य है। अगर आप रखते हैं तो आप पिछली वीडियो भी हमारे देखे होंगे, प्लस उसके पिछले मतलब जितने भी वीडियो मैंने इस IPL में बनाए हैं उसमें देखे होंगे, मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस जो बताए हैं वो सारे सारे प्लेयर ड्रीम इलेवन टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, प्लस वो ड्रीम इलेवन टीम में भी रहेंगे और उनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मिलेंगे 100% जो आपको विनिंग करा के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लें यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको सबसे पहले यहाँ पे मैक्सवेल को, एब्डुप्लेसिस, विराट कोहली, गुरबाज को बना सकते हैं। ड्रीम इलेवन स्मॉल लीग की टीम में आप देख लें, यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में मैंने गुरबाज को रखा है, विराट कोहली को कैप्टन बनाया है, बैटिंग सेक्शन में एब्डुप्लेसिस, मनदीप सिंह है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑलराउंडर में है जी मैक्सवेल, जिनको मैंने VC बनाया है, ये रसेल है। और उसके बाद यहाँ पे बॉलर्स में 5 बॉलर्स के साथ मैं जा रहा हूँ, बट हो सकता है लाइनअप आने के बाद चेंजेस भी मैं कर सकता हूँ। एच पटेल हैं, एम सिराज, टी साउथी, यू यादव, यश ठाकुर, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस मोहाली की टीम में। अब मैं आपको GL की टीम दिखा देता हूँ, GL टीम वन। तो GL में मैंने किसको किसको रखा है, यहाँ पे गुरबाज हैं, विराट कोहली, एब्डुप्लेसिस, यन राणा है यहाँ पे, एक चेंजेस है और यम सिंह, मनदीप सिंह, इनको VC मैंने बनाया है। हो सकता है इस मैच में मनदीप सिंह अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो इनको आप कैप्टन कैप्टन ट्राई कर सकते हो GL में। और मैक्सवेल को भी कैप्टन मैंने बनाया है, क्योंकि मैक्सवेल का भी चांसेस है, हाई चांसेस है कि इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं। और रसेल है यहाँ पे ऑलराउंडर में, और 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, साउथी, पटेल, ठाकुर, सिराज, ये मेरी GL की फर्स्ट टीम है। आप इससे चाहें तो खेल सकते हैं GL में। उसके बाद GL टीम 2 देख लेते हैं। बैट्समैन में मैंने यहाँ पे VAR को रखा है, बाकी सब वही प्लेयर हैं, बट कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे ओपनर्स को रखा है, विराट कोहली, एब्डुप्लेसिस को। और यहाँ पे ऑलराउंडर में 2 ऑलराउंडर हैं, रसेल को रिप्लेस करके यहाँ पे एम ब्रेसवेल को रखा है। और यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे बॉलर्स मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, कॉम्बिनेशन है आपको विन करा के जाएगी अगर GL में इसको ट्राई करते हैं। प्लस यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं, 1-2 चेंजेस करके आप खुद से विनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे GL की 2 टीम आपको मैंने दिखा दी, प्लस SL की 1 टीम दिखाई। SL की जो टीम रहेगी वो मेन रहेगी हमारी, और इसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं लाइनअप आने के बाद। बट यहाँ पे GL की जो टीम रहेगी उसमें अगर सेम प्लेयर खेल रहे हैं तो हमारी टीम यही रहेगी, अगर कुछ प्लेयर नहीं खेलते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।